नमस्कार दोस्तों, मैं हूं देवांग और साइबर वर्ल्ड के सिक्योर सैटरडे सेशन के एक और नए एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम टॉप 10 सेलिब्रिटीज जिनके अकाउंट सोशल मीडिया अकाउंट या फिर मेल अकाउंट हैक हो चुके हैं और उनसे उनको कितने नुकसान हुए उसके बारे में जानेंगे। दोस्तों, इस वीडियो का मोटिव सिर्फ एक है कि इतने बड़े जो सेलिब्रिटीज हैं जो अपनी सिक्योरिटी का ज्यादातर ध्यान रख सकते हैं, अपने जो अकाउंट्स हैं उनको सिक्योर बना सकते हैं, उनके लिए वो सक्षम है, फिर भी उनके अकाउंट अगर हैक हो जा रहे हैं तो एज अ नॉर्मल पीपल हम एक आम आदमी की तरह हमारे अकाउंट भी हैक हो सकते हैं और इनसे हमें क्या कुछ नुकसान हो सकता है, फाइनेंशियली नुकसान हो सकता है, ठीक है। तो इन सब के बारे में आपको अवेयर करना है। तो दोस्तों, ये सिर्फ एक अवेयरनेस वीडियो है जिससे कि आप अवेयर हो सके कि इतने बड़े सेलिब्रिटीज के अकाउंट हैक हो सकते हैं, तो हमें भी हमारे अकाउंट्स की सिक्योरिटी के बारे में ध्यान देना चाहिए क्योंकि हमारे अकाउंट्स भी सिक्योर नहीं है, वो कभी भी हैक हो सकते हैं। तो चलिए, देर नहीं करते हैं और शुरू करते हैं आज के वीडियो को। तो दोस्तों, आज की हमारी इस लिस्ट में सबसे पहली सेलिब्रिटी जिनका नाम है जेनिफर लॉरेंस। जी हाँ दोस्तों, जेनिफर लॉरेंस का आईक्लाउड और जीमेल अकाउंट जो है वो हैक हो चुका था 2014 के अंदर और उन अकाउंट्स में जो भी पिक्चर्स पड़े थे, यानी कि उनके कुछ प्राइवेट फोटोग्राफ्स पड़े थे, वो फोटोग्राफ्स पब्लिकली अवेलेबल हो गए थे, लीक हो गए थे और उन फोटोज से उनकी रेपुटेशन को बहुत ही नुकसान पहुंचा था। उनके कुछ पर्सनल प्राइवेट फोटोग्राफ्स थे उन आईक्लाउड के ऊपर और जीमेल के अकाउंट के ऊपर और वो सारे पिक्चर उस हैकर ने हैक करके जो है लीक कर दिए थे। तो इस तरीके से दोस्तों, आपके भी अगर जीमेल और आईक्लाउड के अकाउंट है और वो उनके पासवर्ड सेफ नहीं है, वो सेफ नहीं है, तो आपको सेफ रखने चाहिए। यहाँ पे इस हैकर का नाम जो है वो है जॉर्ज गैरिफेनो। जी हाँ दोस्तों, इस जॉर्ज नाम के हैकर ने जेनिफर लॉरेंस के जो सारे अकाउंट है उनको हैक किया था और उसके लिए उसे 8 महीने की जेल भी हुई थी क्योंकि उसने उसके प्राइवेट पिक्चर्स जो है वो लीक कर दिए थे जो कि थोड़े प्राइवेट ज्यादा थे, तो इसीलिए इसे 8 महीने की जेल भी हुई थी और वो इस हैकिंग में गिल्टी पाया गया था। तो दोस्तों, इसी से हमें सबक मिलता है कि हमें अपने चाहे कोई भी अकाउंट्स हो वो हमें सेफली हैंडल करने चाहिए, उनके पासवर्ड स्ट्रांग रखने चाहिए, रेगुलरली चेंज करते रहने चाहिए और सिक्योरिटी मेजर्स भी अप टू डेट रखने चाहिए। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं इस लिस्ट की दूसरी सेलिब्रिटी जिनका नाम है रिहाना। जी हाँ दोस्तों, रिहाना का भी इसी जेनिफर लॉरेंस के टाइम पे, जब जेनिफर लॉरेंस का 2014 में आईक्लाउड जीमेल अकाउंट हैक हुआ था, उसी वक्त जो रिहाना है उनका भी आईक्लाउड अकाउंट जो है 2014 में हैक हुआ था और उनके भी कुछ प्राइवेट पर्सनल फोटोग्राफ्स जो है वो लीक किए गए थे इंटरनेट के ऊपर और उनसे उन्हें बहुत ही ज्यादा नुकसान हुआ था, उनकी जो रेपुटेशन है उसको भी बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था। तो ऐसे ही बड़े बड़े सेलिब्रिटीज के अकाउंट आसानी से हैक हो रहे हैं, हालांकि उनके पास सिक्योरिटी मेजर्स शायद हो सकते हैं कि हम आम आदमी से ज्यादा वो सिक्योरिटी की थोड़ी ज्यादा केयर करते हो अपने अकाउंट्स की, फिर भी उनके अकाउंट्स हैक हो रहे हैं तो हमारे अकाउंट्स तो आसानी से हैक हो सके, ऐसे हो सकते हैं। तो आपको हमेशा ऐसे अटैक से, ऐसे क्राइम से बच के रहना चाहिए जो कि आपके अकाउंट के ऊपर हो सकते हैं। तो दोस्तों, इस लिस्ट की हमारी तीसरी सेलिब्रिटी है जिसका नाम है सेलिना जोम्स। जी हाँ दोस्तों, सेलिना जोम्स का ट्विटर अकाउंट 2011 में हैक हो चुका था और इस हैक हुए अकाउंट से जस्टिन बीबर के बारे में जो कि है ह्यूमिलेट करने वाले ट्वीट्स किए गए थे, यानी कि सेलिना जोम्स के ट्विटर अकाउंट से जस्टिन बीबर को ह्यूमिलेट करने के लिए कुछ ट्वीट्स किए गए थे जो कि बाद में पकड़े गए थे, जो कि पता चला था कि ये सेलिना जोम्स ने नहीं किए हैं और उनके बाद सेलिना जोम्स ने फेसबुक के ऊपर जस्टिन बीबर से माफी भी मांगी थी। तो दोस्तों, ये एक ट्विटर अकाउंट हैक होने से भी कितना बड़ा नुकसान हो सकता है, कितनी रेपुटेशन हमारी जा सकती है, उसके बारे में भी ये हमें सीख देता है। तो दोस्तों, इससे हमें सीखना चाहिए कि हमारे जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं जैसे कि ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ये सारे अकाउंट्स भी सेफ नहीं है, उनके पासवर्ड्स भी हमें सेफ रखने चाहिए क्योंकि अगर हमारे ऐसे अकाउंट भी हैक हो जाते हैं तो कुछ भी हो सकता है। दोस्तों,
दोस्तों इस लिस्ट में अगला जो नाम है वो है जोनस ब्रदर। जी हाँ दोस्तों, द जोनस ब्रदर का भी ट्विटर अकाउंट जो है वो हैक हुआ था। हालांकि ये जो हैक किया था वो उनके एक दोस्त ने ही किया था, एक मजाक के तौर पर इनका ट्विटर अकाउंट हैक हुआ था, उनके दोस्त ने ही किया था। लेकिन आपको ये इससे सीख मिलती है कि आपको कभी भी अपने दोस्तों के ऊपर भी ऐसे भरोसा करके वो जो लिंक्स भेज रहे हैं, वो मान लीजिए कोई एप्लीकेशन बता रहे हैं डाउनलोड करने के लिए, लिंक्स भेज रहे हैं या फिर कुछ भी कर रहे हैं, तो आपको उनके ऊपर भरोसा नहीं करना चाहिए और इनसे बच के रहना चाहिए। यहाँ तो जो है जोनस ब्रदर्स का दोस्तों कुछ ज्यादा नुकसान नहीं हुआ था, उनके फ्रेंड ने उनके ट्विटर अकाउंट को ज्यादा कुछ नुकसान नहीं पहुंचाया था। लेकिन मान लीजिए आपका कोई नया नया फ्रेंड बनाए इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे या फेसबुक पे, और वो आपको कुछ फ्रेंडशिप के बहाने कुछ लिंक भेजता है या कुछ करता है और बोलता है कि आप इस लिंक पे क्लिक करिए, आपको कुछ अवार्ड मिलेगा, रिवॉर्ड मिलेगा या कुछ भी मिलेगा, तो अगर आप ऐसे झांसे में आ जाते हो तो आपका अकाउंट भी हैक हो सकता है और आप किसी मुसीबत में फंस सकते हैं। तो आप भूलकर भी ऐसे भी किसी अननोन फ्रेंड, जो कि नए फ्रेंड बने हैं, कोई अननोन पर्सन है, उनकी बातों में आके आप ऐसी लिंक्स पे या ऐसे कोई भी चीजों पे क्लिक मत कर दीजिएगा, ताकि आपका जो अकाउंट है वो हैक हो सके। तो इनसे बचने के लिए भी आप ये तरीका अपना सकते हैं दोस्तों। दोस्तों आप सबने एमा वॉटसन का नाम तो जरूर सुना होगा। जी हाँ दोस्तों, एमा वॉटसन भी एक बहुत ही फेमस सेलिब्रिटी है और इनका भी अकाउंट जो है वो हैक हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, इनका अकाउंट भी हैक हुआ था और उनके भी कुछ प्राइवेट फोटोज जो है वो पब्लिक में लीक किए गए थे। हालांकि वो ऐसे कोई न्यूड फोटोज वगैरह नहीं थे, लेकिन फिर भी उन्हें जो मानसिक परेशानी झेलनी पड़ी थी या फिर उन्हें जो परेशानी हुई थी, उसके लिए उन्होंने तुरंत जाके एक लीगल एक्शन लिया था इस हैकर के ऊपर, ताकि उस हैकर को पकड़ा जा सके और उसके खिलाफ जो है वो कार्रवाई की जा सके। तो दोस्तों यहाँ पे एक और सीख हमें ये मिलती है कि कभी भी हमारा अकाउंट अगर हैक होता है और हमारी प्राइवेट फोटोज या फिर वीडियोस या फिर हमारी कोई भी प्राइवेट जानकारी अगर लीक होती है, तो हमें तुरंत जाके पुलिस में रिपोर्ट करनी चाहिए और हमें लीगल एक्शन भी जरूर लेना चाहिए। हमें ऐसे सिनेरियो में किसी भी चीज से, ना पुलिस से, ना किसी हैकर से, ना किसी से भी डरने की जरूरत नहीं होती है, और हमें लीगल एक्शन लेके उस हैकर को पकड़ने की कोशिश करनी चाहिए। तो चलिए दोस्तों, अब हमारी लिस्ट में अगली सेलिब्रिटी का नाम जानते हैं, जो कि एक बहुत बड़ी सिंगर है, बहुत ही फेमस सिंगर है, जिनका नाम है लेडी गागा। जी हाँ दोस्तों, लेडी गागा का भी ट्विटर अकाउंट 2011 में हैक हो चुका था और उनके अकाउंट से ट्वीट्स किए गए थे कि आप इस लिंक पे क्लिक कीजिए और आप आईपैड जीत सकते हैं। तो ऐसे कुछ ट्वीट्स किए गए थे और उनके फैंस जो उन्हें फॉलो करते थे, उनके फॉलोअर्स जो थे, उन्होंने शायद उन लिंक पे क्लिक करके आईपैड जीतने की जो स्कीम थी उसके झांसे में आ गए थे और उन्हें क्लिक करके अपना भी अकाउंट खतरे में डाल दिया था। तो दोस्तों इससे हमें सीख मिलती है कि अगर आपको भी कोई लिंक भेजा जाए ये कह के कि आप इस लिंक पे क्लिक कीजिए और फॉर्म फिलअप कीजिए और आपको कुछ गिफ्ट मिल सकती है, आप कुछ जीत सकते हैं, तो ऐसी लिंक पे कभी भी आप विश्वास मत कीजिए, क्योंकि कोई भी आपको कुछ भी चीज फ्री में नहीं देता है या गिफ्ट में नहीं देता है, ऐसे ही फॉर्म फिलअप करके कुछ भी आपको नहीं मिलने वाला है। तो आप कभी भी ऐसे फेक लिंक के झांसे में ना आइए, और अगर आप फंसते हैं तो आपका अकाउंट हैक होने तक का भी रिस्क हो सकता है, तो ये चीज आपको जरूर ध्यान में रखनी चाहिए। तो चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इस लिस्ट के हमारे अगले सेलिब्रिटी के बारे में जानने, जिनका नाम है पेरिस हिल्टन। जी हाँ दोस्तों, पेरिस हिल्टन जो है वो 2005 के अंदर ऑनलाइन हैक के शिकार हुए थे, जिनमें कि उनका पासवर्ड जो है वो चोरी हो गया था और उनके पासवर्ड के मदद से जो हैकर है उसने उनके अकाउंट में एक्सेस लिया था और उनके अकाउंट के अंदर जो भी उनके पर्सनल फोटोग्राफ्स थे स्टोर किए हुए, वो सारे फोटोग्राफ्स उन्होंने पब्लिकली लीक कर दिए थे, जो कि उनके कुछ प्राइवेट फोटोग्राफ्स थे। तो दोस्तों इस हैक से भी हमें एक चीज सीखने मिलती है कि हमें कभी भी अपने प्राइवेट पर्सनल जो फोटोग्राफ्स हैं वो हमें कभी भी क्लाउड के ऊपर स्टोर करके रखने नहीं चाहिए, ऑनलाइन स्टोर करके नहीं रखने चाहिए, क्योंकि अगर हम ऐसा करते हैं, हमारे प्राइवेट फोटोज, वीडियोस या फिर डॉक्यूमेंट्स कुछ भी, तो अगर हमारा अकाउंट हैक हो जाता है तो सबसे पहले वो प्राइवेट फोटोग्राफ्स, वीडियोस और प्राइवेट जो हमारे पर्सनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो चोरी हो सकते हैं और उनको पब्लिक किया जा सकता है।
जिससे कि हमारी बदनामी हो सकती है। तो ये भी सीखना जरूरी है कि आपको कभी अपनी पर्सनल प्राइवेट चीजें क्लाउड पे स्टोर करके नहीं रखनी चाहिए। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और जानते हैं हमारे आज के लास्ट बट नॉट द लिस्ट सेलिब्रिटी के बारे में, जिनका नाम है स्कारलेट जॉनसन। जी हाँ दोस्तों, स्कारलेट जॉनसन का अकाउंट भी हैक हो चुका है और उनके कुछ पर्सनल फोटोग्राफ्स, जिनमें की कुछ न्यूड फोटोग्राफ्स भी थे, वो भी ऑनलाइन लीक किए गए थे उस हैकर के द्वारा। दोस्तों उस हैकर का नाम था क्रिस्टिफर और उसने स्कारलेट जॉनसन के अकाउंट में हैक करके उनके कुछ पर्सनल न्यूड फोटोग्राफ्स थे वो ऑनलाइन पब्लिकली लीक कर दिए थे, जिसके लिए उसे, उस हैकर को 10 साल तक की सजा हुई थी और वो पकड़ा गया था बाद में और उसको 10 साल तक की सजा हुई थी, उसने वो सजा काटी थी। और दोस्तों इससे हमें ये एक चीज सीखने मिलती है कि हमें कभी भी अपने ऐसे फोटोग्राफ्स ऑनलाइन अपलोड करके नहीं रखने चाहिए, और अगर हम ऐसे फोटोज रखते भी है, कोई प्राइवेट फोटोज रखते भी है ऑनलाइन, तो भी हमें अपनी ऑनलाइन सिक्योरिटी का सबसे ज्यादा ख्याल रखना चाहिए। हमारे पासवर्ड सिक्योर रखने चाहिए, स्ट्रांग रखने चाहिए, ठीक है। फिर जो ऑनलाइन सर्विस हम यूज कर रहे हैं, क्लाउड स्टोरेज सर्विस यूज कर रहे हैं, उनमें कोई वल्नरेबिलिटीज यानी कि कोई लूप होल्स तो नहीं है, वो ध्यान में रखना चाहिए। ये सारी चीजें, ये सारी बातें ध्यान में रख के ही हमें अपने जो पर्सनल प्राइवेट इंफॉर्मेशन है वो क्लाउड पे स्टोर करनी चाहिए। तो दोस्तों ये थे कुछ सेलिब्रिटीज जिनके अकाउंट हैक किए जा चुके थे और उनके जो प्राइवेट पर्सनल फोटोग्राफ्स हैं, वीडियोस हैं, इंफॉर्मेशन है, वो सारी चीजें पब्लिक की गई थी। दोस्तों इनके अलावा भी और भी सैकड़ों हजारों सेलिब्रिटीज हैं जिनके अकाउंट हैक किए जा चुके हैं और उनको भी ऐसे नुकसान पहुंचाया जा चुका है। और दोस्तों सेलिब्रिटीज ही नहीं, बहुत से आम पब्लिक के भी जो अकाउंट्स है वो डेली हजारों की संख्या में हैक होते हैं और उन लोग को ऐसे नुकसान भुगतने पड़ते हैं। तो दोस्तों आपको हमेशा ऑनलाइन अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स, अपने ईमेल अकाउंट्स, अपने दूसरे भी जो अकाउंट्स हैं, वो फाइनेंशियल अकाउंट्स जो है उनको सेफ रखना चाहिए। हमेशा अपनी सिक्योरिटी का, सेफ्टी का ध्यान रखना चाहिए, ऑनलाइन सेफ्टी, ऑनलाइन सिक्योरिटी का, और हमेशा अपने पासवर्ड सिक्योर, सेफ, स्ट्रांग रखिए। आप जो सर्विसेज यूज कर रहे हैं उनके बारे में जानिए वो सेफ है या नहीं है, वो सारी चीजें जानने के बाद ही उस सोशल मीडिया सर्विस या कोई भी सर्विस हो आप उसे यूज कीजिए। तो दोस्तों इसी के साथ आज के वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप कि आपको आज के वीडियो से कुछ नॉलेज मिली होगी, आपको कुछ सीखने मिला होगा, कुछ जानने मिला होगा इस वीडियो से। तो दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हमारा ये वीडियो पहुंचे और वो लोग भी इससे कुछ सीख सके। और दोस्तों अगर आपको हमारे इस वीडियो से रिलेटेड या फिर हमारी चैनल से रिलेटेड कोई भी सवाल, कमेंट या फिर कोई भी सजेशन है आपके, तो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। दोस्तों इसी के साथ मिलता हूं मैं आपसे अगले सैटरडे सिक्योर सैटरडे सेशन के एक और नए एपिसोड में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड एज ऑलवेज बी अवेयर, कनेक्ट विद केयर।